नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल फैक्ट्स इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हबल दूरबीन की। हबल दूरबीन जो पृथ्वी से 568 किलोमीटर दूर सबसे महंगी दूरबीन जो अंतरिक्ष में स्थित है, आज हम हबल दूरबीन के कुछ 14 रोचक तथ्य आप लोगों को बताएंगे। हबल एक खगोलीय दूरबीन है जिसे 24 अप्रैल 1990 को पृथ्वी की सतह से 568 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तब से लेकर अब तक यह दूरबीन ब्रह्मांड की अनेकों आकाशगंगाओं, निहारिकाओं, तारों और अन्य चीज़ों की लगभग 7 लाख से ज़्यादा तस्वीरें भेज चुकी है। इसने हमें ब्रह्मांड को जानने में बहुत ज़्यादा सहायता की है। चलिए अब हम इसके कुछ जानकारी आप लोगों को बताते हैं। नंबर एक, हबल दूरदर्शी को नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से तैयार किया था, लेकिन इसे जिस अंतरिक्ष यान डिस्कवरी द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था वो पूरी तरह से नासा का तैयार किया हुआ था। नंबर दो, हबल दूरबीन का नामकरण आधुनिक खगोल विज्ञान के पितामह एडविन हबल के नाम पर हुआ था, जिन्होंने 1920 के दशक में हमारी अपनी आकाशगंगा के पर अनगिनत आकाशगंगाओं के अस्तित्व के बारे में बताया था। इसके सिवाय उन्होंने पृथ्वी पर कई बड़ी दूरबीनें भी बनाई थीं जिनसे अंतरिक्ष में देखा जा सके। नंबर तीन, हबल अंतरिक्ष दूरबीन को पहले वर्ष 1983 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी कमियों और बजट की समस्या कारण इसमें 7 साल की देरी हो गई। नंबर चार, मिशन पर उस समय $161 करोड़ की लागत आई थी। 1990 के $161 करोड़ आज के $302 करोड़ के बराबर हैं, यानी 19,000 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर। नंबर पाँच, वर्ष 1990 में दूरबीन लॉन्च करने के बाद वैज्ञानिकों को इसकी कुछ बड़ी गलतियों के बारे में पता लगा, जिससे $161 करोड़ का यह मिशन खतरे में आ गया था। नंबर छः, मिशन खतरे में आ जाने की वजह से उस समय मजाक का विषय बन गया था और इसकी तुलना टाइटैनिक जहाज जैसे हादसों से की जाने लगी थी। इस पर कई तरह की कॉमेडी भी होने लगी थी। नंबर सात, सौभाग्य से हबल दूरदर्शी को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि कोई खराबी आने पर इसकी सर्विस की जा सके। वैज्ञानिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने 1993 में अंतरिक्ष में जाकर इस दूरबीन को ठीक कर दिया, जिससे $करोड़ों बर्बाद होने से बच गए। नंबर आठ, हबल दूरबीन में कुछ पुर्जों के सिवा जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो थी इसके मुख्य दर्पण का ठीक ना होना। दरअसल मुख्य दर्पण जो ज़्यादा पॉलिश कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो समतल हो गया। जाहिर था कि दूरबीन का फोकस ठीक ना होने की वजह से साफ चित्र नहीं भेज सकता था। नंबर नौ, हबल को ठीक करने का पहला मिशन 11 दिन तक चला था, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक 35 घंटे 28 मिनट तक अंतरिक्ष में यान से बाहर रहे और इस दूरबीन को ठीक किया था। नंबर 10, हबल दूरबीन पर अब तक
कुल 5 सर्विसिंग मिशन भेजे जा चुके हैं। पहला 1993 में और आखिरी मई सन 2009 में। इसकी एक सर्विसिंग पर लगभग 50 करोड़ डॉलर की लागत आई थी। नंबर 11, हवल दूरदर्शी की मरम्मत करने के लिए मई सन 2009 के बाद कोई नया सर्विसिंग मिशन इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वैज्ञानिक मई 2020 में इससे बड़ी खगोलीय दूरदर्शी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप होगा। नंबर 12, वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी नई सर्विसिंग मिशन ना भेजने की सूरत में भी हवल दूरबीन सन 2030 से सन 2040 के बीच तक काम करती रहेगी। नंबर 13, पृथ्वी की सतह से 568 किलोमीटर दूर हवल दूरबीन 95.47 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है और हर रोज 10 से 15 जीबी तक के डाटा जितने आंकड़े भेजती है। नंबर 14, 11 टन वजनी हवल दूरबीन की लंबाई 13.2 मीटर और अधिकतम व्यास 4.2 मीटर है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।